जय हिंद दोस्तों, सभी भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी जवानों को जय हिंद। 9 बज चुके हैं भाई, सभी लय आ जाओ। जय हिंद सभी को, राम राम। जय हिंद सभी को। बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। गत परीक्षाओं में पूछे गए दोस्तों इंडियन आर्मी के एग्जाम में दोस्तों जो सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो हमने आज इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है दोस्तों आपके लिए। यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों डेफिनेटली यू मानो चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो दोस्तों, क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा। इस लाइव सेशन को शुरू से अंत तक देखिए और सभी को दोस्तों लाइव लेकर आओ जल्दी से अपने सभी दोस्तों को। बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। जय हिंद सभी को, जय हिंद। लाइक नहीं किया है जिसने, लाइक कर दीजिए भाई। बिल्कुल, जय हिंद, राम राम। चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लाइव सेशन। बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोस्तों आप सभी के लिए और आप सभी के स्क्रीन पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, कलर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, सामान्य ज्ञान के दोस्तों, ये प्रश्न है जो कि गत परीक्षाओं के पेपरों में दोस्तों पूछे गए प्रश्न ही हम आपको करवाते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। निम्न में से किसने दोस्तों 1857 ईस्वी में सबसे पहले अपने जीवन की कुर्बानी दी थी, ये आप सभी को बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है दोस्तों कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए भाई। बिल्कुल, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया दोस्तों, मंगल पांडे ने दोस्तों सबसे पहले कुर्बानी दी थी अपने जीवन की। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, जल्दी बताइए दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी। बिल्कुल, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं भोपाल, बिल्कुल राइट आंसर बताया दोस्तों उन्होंने। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बिल्कुल दोस्तों मुख्यमंत्री नाम बताना आप सभी को मुख्यमंत्री का। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन डी, बहुत अच्छा ऑप्शन डी जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट है दोस्तों, ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर आपको पूछे केरल का मुख्यमंत्री तब दोस्तों आपको पिनराई विजयन करके आना है, और दोस्तों उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और ज्योति बसु दोस्तों पहले पश्चिम बंगाल की ही मुख्यमंत्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन नारे का संबंध निम्न में से किससे है, यह आप सभी को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है दोस्तों मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी है मन की बात, ऑप्शन सी है उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी है स्वच्छ भारत, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया दोस्तों, बिल्कुल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने दोस्तों ये योजना शुरू की थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। बिल्कुल, योग दिवस कब मनाया जाता है जल्दी बताइए। बिल्कुल, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों 21 जून, बिल्कुल उन्होंने सही बताया, बिल्कुल इसी जोश जुनून के साथ तैयारी करनी है। 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है, और आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व सेना दिवस कब मनाया जाता है, तब दोस्तों आपको 15 जनवरी नहीं करके आना है मेरे भाई, तब आपको दोस्तों 9 नवम्बर करके आना है। ध्यान रखना, विश्व जो सेना दिवस है वो 9 नवम्बर को मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व शिक्षक दिवस है दोस्तों वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसमें बहुत से लड़के हैं दोस्तों 5 सितंबर करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिनको नहीं पता है इन क्वेश्चनों को दोस्तों एक अलग कॉपी के अंदर लिख लो, और जो मेरे को दिन भर में सुनते हैं वो कृपया शाम को 9 बजे लाइव आने की कोशिश करो, और अपने आप का कंपटीशन चेक करो कि इस क्वेश्चन का कितने जने हैं दोस्तों वो गलत जवाब देते हैं और कितने राइट जवाब देते हैं। और जो वर्तमान में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो भी अभी से अपनी रिटर्न की मजबूत तैयारी करिए, जिससे दोस्तों आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 का युद्ध भारत ने किसके साथ लड़ा था, ये बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, पाकिस्तान के साथ लड़ा था दोस्तों, पाकिस्तान को करारी हाथ मिली हार मिली थी, और दोस्तों भारत है वो इसमें विजय हुआ था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है, ये आप सभी को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। बिल्कुल, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों आगरा में होगा, बिल्कुल चार मीनार है दोस्तों वो हैदराबाद में है। ठीक है, और जामा मस्जिद है दोस्तों, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल मुमताज की याद में बनाया था दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों, अभी जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल ही में दोस्तों एग्जाम हुआ था 24 नवंबर को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो मेरे भाई इंद्रधनुष में वो 7 रंग होते हैं, लेकिन
इस जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उसकी लैंग्वेज थोड़ी दोस्तों डिफरेंट थी, उसमें मतलब इनका क्रम पूछा था। तो दोस्तों इंग्लिश में इसका क्रम होता है विबग्योर और हिंदी में इसकी ट्रिक होती है बेनी आ है पनीला। इसका आपको ध्यान रखना है, एक अलग कॉपी के अंदर आप नोट कर सकते हो रिवाइज करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल आप सभी के राइट आंसर भी आने लग गए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आया नहीं फिर भी। गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है दोस्तों, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि है वो महात्मा गांधी ने दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ये दोस्तों जितनी भी उपाधियां करता है इनका एक मैंने वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखना दोस्तों। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जल्दी से इसका आंसर बताइए। और जो अभी जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद भाई लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है बिल्कुल। और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो 19 जनवरी को हो जाएगा, लेकिन जो अभी वर्तमान में दोस्तों फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर देना, उनका भी दोस्तों भला हो जाएगा। बिल्कुल जिन्होंने दोस्तों ऑप्शन सी बताया है 13 अप्रैल 1919, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया इस क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा। इसी जोश और जुनून के साथ तैयारी कीजिए मेरे भाई, आपका सिलेक्शन है वो इस बार डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लज्जा नामक किताब की लेखिका कौन है ये बताइए दोस्तों। लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम बताना है आप सभी को, बेंजीर भट्टो, तस्लिमा नसरीन, ऑप्शन सी है दोस्तों कुशवंत सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, बेंजीर भट्टो नहीं होगा, ऑप्शन बी जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बताया दोस्तों उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है आप सभी को यह बताना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बताया दोस्तों, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया, बहुत अच्छा। आपकी तैयारी है दोस्तों वो इस बार बहुत अच्छी है, आपका जीके और जीएस का दोस्तों इस बार क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सभी को मैंने कितनी बार बता दिया दोस्तों इस मतलब जीके और जीएस को लेकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सुबह वाली क्लास भी दोस्तों आपको देखा करो, बहुत बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है आप सभी को यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है देहरादून, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, खड़कवासला, जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल देहरादून नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी जो बता रहे हैं खड़कवासला, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है ये आप सभी को बताना है दोस्तों। एग्जामिनर है वो आपको दोस्तों कन्फ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज है दोस्तों वो थोड़ी डिफरेंट रख सकता है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी किया है कि सर्वाधिक वलियों वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको चाहे छल्ला पूछे, आपको चाहे दोस्तों वलियों वाला ग्रह पूछे, तब भी दोस्तों आपको शनि करके आना है, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चाहे एग्जामिनर किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन करे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त, बिल्कुल शनि इसका राइट आंसर होगा। बुध है दोस्तों ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और आप ये भी ध्यान रखना, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है मेरे दोस्त, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल काजीरंगा बताना है आप सभी को, बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों उन्होंने बिल्कुल सही बताया, इसका मतलब उनको दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उनको ये क्वेश्चन आता है कि काजीरंगा है दोस्तों वो असम में स्थित है और एक सिंह वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, चीन की मुद्रा बताना है दोस्तों आप सभी को। बिल्कुल अभी वर्तमान में दोस्तों चीन की मुद्रा का नाम बताना है आप सभी को, ऑप्शन है ऑप्शन ए है दोस्तों येन, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है रियाल, ऑप्शन डी है, जल्दी बताइए इसका आंसर, बहुत अच्छा जल्दी बताइए। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, रेनबिम्बी, बिल्कुल चीन की मुद्रा का नाम दोस्तों रेनबिम्बी है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और जापान की मुद्रा की बात करें तब दोस्तों आपको येन करके आना है, और इराक की मुद्रा की बात करें तब आपको दिनार करके आना है, और आपको कहे सऊदी अरब की मुद्रा क्या है तब आपको रियाल करके आना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान किसने लिखा था यह आप सभी को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यूं मानो आपके हाल ही में एग्जाम होता है तो उसमें दोस्तों ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है ननोबदीज, जल्दी इसका आंसर बताइए भाई। बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया, सोच समझ के आंसर दिया है, बहुत अच्छा दोस्तों यही तो होती है। आप अपने आप में दोस्तों घबराओ मत, बिल्कुल आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यह क्वेश्चन मेरा राइट होगा, ठीक है बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। पंडित शिव कुमार बताना है आप सभी को, ऑप्शन ए है दोस्तों तबला, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है सरोद, ऑप्शन डी है संतूर, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सितार नहीं होगा मेरे भाई,
बिल्कुल स्रोत भी नहीं होगा। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों संतूर, बिल्कुल उन्होंने राइट आंसर बताया। उनकी तैयारी दोस्तों जीके की बहुत अच्छी है, जिन्होंने ऑप्शन डी बताया बिल्कुल उन्होंने राइट बताया दोस्तों। उनका इस बार जीके का क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। सितार से दोस्तों पंडित रविशंकर है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। और दोस्तों जाकिर हुसैन है वो है तबला से संबंधित, बहुत अच्छा, ये लिख लेना दोस्तों जो मैंने अलग फैक्ट बताए हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जल्दी बताइए दोस्तों। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे हैं हॉकी, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर बताया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, यह आप सभी को बताना है। दार्जिलिंग बताना है दोस्तों किस राज्य में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम है या उत्तर प्रदेश। इसमें बहुत से लड़के दोस्तों असम करके आते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रख लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर ओनली इंडियन आर्मी के रिटर्न की तैयारी करवाते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और जो अभी वर्तमान में फिजिकल की तैयारी करें उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना भाई, ठीक है, कि आप यहाँ से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन वो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। आपका तो 19 जनवरी को हो जाएगा, लेकिन जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनका अगले वाली भर्ती में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब आपको मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है, तब तक आप इसी लेवल से तैयारी कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।